बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को भी मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली के टाइम पे भी आप लोग काम कर रहे हो, बट बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स फन। और दिवाली इस बार आई थिंक इस साल सारी फेस्टिवल्स इतने अच्छी तरह मनाए गए हैं सब जगह, तो एक्साइटमेंट तो ज़्यादा है इस साल। मैं आज अवार्ड के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ आप लोगों से मिल रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है मुझे पता ही नहीं है, होता ऐसा ही होता है प्यार में। आप आया बिग बॉस के बाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले आप बिग बॉस में आप किसके सपोर्ट कर रहे हो, क्या है अगर आपको दोबारा मौका मिला है वाइल्ड कार्ड की तरफ से, क्या इस साल बिग बॉस में मुझे ऐसा कोई अभी तक लगा नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसा कोई लगा नहीं होगा। मुनावर बहुत अच्छा है ऑलरेडी, उसके लिए मुझे अच्छा लगता है उसको देखना, तो होपफुली अभी तो बहुत स्टार्ट है, अभी तो काफ़ी गेम बाकी है, लेट्स सी। एंड प्लीज़ वो जो मैरिड कपल्स हैं वो थोड़ा सा शांत हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा देखना। फिलहाल तो ऐसा कोई सपोर्ट तो नहीं है, मुझे अंकिता और मुनावर दोनों अच्छे लगते हैं, तो लेट्स। आपको अगर मौका मिला जाए तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो गया मेरा उस घर से मेरा नाता। लोकेशन काफ़ी अच्छे हैं, सॉरी आपको कैसे रिस्पॉन्स मिला? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको रिस्पॉन्स, बाकी लोगों को कैसे रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड मज़ा आता है, बस हर साल यही होता है। फिलहाल तो आप फिलहाल मुझे देख रहे हैं किंग पर होस्ट करते हुए, तो मैं अभी जो मेरी जर्नी है एज अ कंटेस्टेंट ख़त्म हो चुकी है, एंड अब अगर आप मुझे देखोगे तो शायद होस्ट करते हुए देखूँ। झलक में चाहती थी बहुत पिछले साल, पर आई थिंक अब प्लान्स थोड़े चेंज हो गए हैं, अब एक्टिंग पे फोकस है। अगले महीने टटलू बाद रिलीज़ हो रहा है, तो इस चीज़ की तैयारी। थैंक यू सो मच। आपके पास भी तो आ रही हूँ फिर।